नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन और आप देख रहे हैं 1984 माइल्स। तो आज की जर्नी होने वाली है श्रम शक्ति एक्सप्रेस से। श्रम शक्ति एक्सप्रेस कोटा के सोगरिया रेलवे स्टेशन से न्यू दिल्ली के लिए रोजाना चलती है। तो इस जर्नी को स्टार्ट करने के लिए मैं पहुंचता हूं कोटा जंक्शन, जहां काफी गर्मी पड़ रही थी और इसी चिलचिलाती गर्मी में मैं कोटा जंक्शन उतर जाता हूं। और ये जो ट्रेन आपको दिख रही है, इसी ट्रेन से मैं जस्ट अभी उतरा हूं। दिखने में तो लाल है, लेकिन इस ट्रेन का नाम है अवध एक्सप्रेस। गाड़ी नंबर है 1937। अवध एक्सप्रेस मुंबई के बांद्रा टर्मिनल से बरौनी जंक्शन के लिए रोजाना चलती है। कोटा जंक्शन के 4 नंबर गेट से बाहर निकलकर सीधा ऑटो लेकर मैं पहुंच जाता हूं सोगरिया रेलवे स्टेशन। सोगरिया रेलवे स्टेशन कोटा जंक्शन से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहां पहुंचने के बाद मुझे पता चलता है कि सोगरिया रेलवे स्टेशन में एक भी होटल खाना पीना खाने के लिए नहीं है, और स्टेशन के आसपास तो वीराना ही वीराना है। जब मैं स्टेशन के अंदर पहुंचता हूं, तो पता चलता है कि हमारी ट्रेन लगी हुई थी 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे और सफाई का काम चल रहा था। और मैं चला जाता हूं वेटिंग रूम के अंदर, जहां कूलर लगा हुआ था, तो गर्मी से थोड़ी सी राहत तो जरूर मिली। और वेटिंग रूम के बगल में ही सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, जो काफी अच्छा था। और रेलवे स्टेशन के अंदर एक बहुत अच्छी बात थी, कितनी गर्मी में हमें ठंडा पानी पीने के लिए मिल रहा था। और ट्रेन की सफाई हो चुकी थी और आधे घंटे के बाद हमारी ट्रेन खुलने वाली थी। 16:20 पे श्रम शक्ति एक्सप्रेस सोगरिया रेलवे स्टेशन से खुलती है और 22:35 पे NDLS न्यू दिल्ली पहुंचा देती है। और आज मैं जिस कोच में सफर करने वाला हूं, उस कोच का नाम है 3rd AC Economy। कोच नंबर है M4 और सीट नंबर है 42। और अंदर AC चालू था तो गर्मी से जान बच गई। और बहुत ही आराम से आपको 3rd AC Economy का इंटीरियर दिखाता हूँ। M3 से होता हुआ मैं पहुंच जाता हूं अपने कोच में M4 में। M4 का दरवाजा अभी भी अंदर से बंद है, तो मैं M3 से होता हुआ M4 में पहुंच जाता हूं। तो चलिए सबसे पहले आपको 3rd AC Economy का इंटीरियर दिखाता हूं। केबिन काफी सुंदर है। सबसे पहले लाइट जलाता हूँ। केबिन में टोटल 6 सीट होता है। साइड अपर और साइड लोअर को लेकर टोटल 8 सीट होती हैं। सबसे पहले ऊपर से दिखाता हूँ आपको। केबिन में सबसे ऊपर आपको एक लोहे का ट्रे मिलता है, उसके नीचे एक छोटा सा आईना होता है। और 3rd AC Economy में हर सीट पे आपको रीडिंग स्लाइट मिल जाती हैं और 2 चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है। साथ ही साथ मोबाइल होल्डर भी आपको मिल जाता है, जिसमें आप अपना मोबाइल रख सकते हैं, जिससे आपका मोबाइल नीचे नहीं गिरेगा। खिड़कियां आपको बड़ी बड़ी मिल जाती हैं और कपड़ा वगैरह टांगने के लिए भी आपको 2 होल्डर मिल जाता है। अब नीचे चलते हैं। नीचे आपको एक ट्रे टेबल मिल जाता है, बोतल स्टैंड मिल जाता है, और सबसे खूबसूरत तो इसका AC है, जो काफी मुझे अच्छा लगा, क्योंकि अभी तक मैंने 3rd AC Economy में ऐसा AC नहीं देखा है। इसे आप आसानी से अपने हिसाब से कम ज्यादा AC का पावर कर सकते हैं या बंद भी कर सकते हैं। बात करते हैं साइड लोअर और साइड अपर की। तो साइड लोअर और साइड अपर में भी आपको रीडिंग स्लाइट मिल जाती है, चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है, मोबाइल होल्डर मिल जाता है, और साथ ही साथ बोतल स्टैंड भी मिल जाता है। खिड़कियां इधर भी बड़ी बड़ी लगी हुई हैं, और साथ ही साथ खिड़कियों पे आपको कर्टन्स मिल जाते हैं। अगर बात करें 3rd AC Economy के सीट की, तो सीट काफी पतला है, जिससे आपको यात्रा करने में काफी तकलीफ होगी। अगर अपर की बात करें, तो अपर में काफी कम जगह है, आप वहाँ पे बैठकर खाना भी नहीं खा सकते हैं। तो 3rd AC Economy का सीट काफी पतला दिया गया है। अगर बात करें किराए की, तो 3rd AC और 3rd AC Economy में मात्र 50-60 रुपए का अंतर है। मुझे लगता है 3rd AC Economy का सीट काफी पतला है, तो इसे थोड़ा सा चौड़ा किया जा सकता है। और 3rd AC Economy में भी आपको बेडरोल मिलता है, और हमारे सीट पे भी बेडरोल रखा गया था, कंबल रखा गया था, चादर वगैरह सब साफ सुथरा था, केबिन भी काफी साफ सुथरा था, तो किसी चीज की कमी नहीं थी। बस एक चीज की तकलीफ है कि 3rd AC Economy में थोड़ी जगह कम होती है और सीट थोड़ी सी पतली होती है। Thank you.
अब चलिए आपको थर्ड एसी इकोनॉमी का वॉशरूम दिखाता हूँ। एक बड़ा सा साफ सुथरा आईना लगा हुआ था जो काफी क्लीन था। इसमें हैंडवॉश की भी सुविधा दी गई थी और साथ ही साथ इसमें हैंडवॉश भी था। नीचे वाटर डिस्पेंसर था जिसमें पानी आ रहा था। हाँ, लेकिन पानी चलाने के लिए नीचे में एक बटन होता है जिसे पैरों से दबाना होता है। और ये क्या बला है मुझे खुद भी पता नहीं था। ना इसमें से हैंडवॉश आ रहा था और ना ही पानी। और वॉशरूम के अंदर दो तीन हैंडल दिया गया है जिसे आप पकड़ सके, और दरवाजे के ऊपर एक होल्डर दिया गया है जहां आप कपड़ा तौलिया वगैरह टांग सके। फ्लश वगैरह बहुत अच्छे से काम कर रहा था। ये इंडियन टॉयलेट था और साफ सुथरा था। और अगर नीचे के फर्श की बात करें तो वो भी काफी साफ सुथरा था। तो इस वॉशरूम को मैं 5 स्टार देता हूँ क्योंकि वॉशरूम काफी साफ सुथरा था। और फिर होता है हमारी गाड़ी का 16:20 पे डिपार्चर। अगर हम बात करें श्रम शक्ति एक्सप्रेस के कोचेस एंड किराए की, तो जनरल क्लास, स्लीपर, थर्ड एसी इकोनॉमी, थर्ड एसी, सेकेंड एसी और फर्स्ट क्लास की बोगियां लगी हुई हैं, इंक्लूडिंग लगेज बोगी। अगर किराए की बात करें तो स्लीपर का प्राइस है 310 रुपया, थर्ड एसी इकोनॉमी का प्राइस है 740 रुपया, थर्ड एसी का प्राइस है 800 रुपया, सेकेंड एसी का प्राइस है 1120 रुपया और फर्स्ट एसी का प्राइस है 1875 रुपया। कोटा से NDRS न्यू दिल्ली के लिए हमारी गाड़ी 466 किलोमीटर का सफर 74 किलोमीटर की रफ्तार से 6 घंटे 15 मिनट में पूरा करेगी। हमारी गाड़ी 466 किलोमीटर का सफर 74 किलोमीटर की रफ्तार से 8 हॉल्ट के साथ पूरा करेगी। और धीरे धीरे हमारी गाड़ी रेलवे स्टेशन से बाहर निकल रही थी। खूबसूरत सा रेलवे ब्रिज पार करते ही हम पहुंच जाते हैं अपना तीसरा हॉल्ट, सवाई माधोपुर जंक्शन। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले का सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन भारत का पहला हेरिटेज रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की विशेष झलक पाने हेतु WWF और भारतीय रेल मंत्रालय के सहयोग बाघ बचाओ, जंगल बचाओ एवं जल बचाओ के उपकरण में बनाया गया है, जो कि वास्तव में रेलवे की महत्वपूर्ण योजना थी। पर्यटन को बढ़ावा देने और वन जीवों के प्रति जागरूक करने के लिए सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन को वन जीवों और पेड़ पौधे सहित प्राकृतिक छटाओं की खूबसूरती चित्रकारी से सजाया गया, जिसके चलते सवाई माधोपुर देश का पहला हेरिटेज रेलवे स्टेशन बन चुका है। और देखते ही देखते हमारी गाड़ी पहुंच जाती है अपना 8वां हॉल्ट 20:28 पे मथुरा जंक्शन, और हमारी मंजिल भी। और अगर टाइमिंग की बात करें तो 4:30 बजे कोटा से खुलती है और रात के 10:30 बजे आपको न्यू दिल्ली पहुंचा देती है, और ट्रेन की स्पीड भी काफी अच्छी है। अगर हम लोग मथुरा जंक्शन की बात करें तो मथुरा जंक्शन का कोड है MTJ। मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन दिल्ली मुंबई और दिल्ली चेन्नई लाइनों के आगरा दिल्ली सेक्शन पर स्थित है और उत्तर मध्य रेलवे द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण और बड़ा रेलवे स्टेशन है। यह भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के मथुरा जिला मुख्यालय में स्थित है। यह मथुरा और वृंदावन दोनों को सेवा प्रदान करता है। और मथुरा रेलवे स्टेशन में उतरने के बाद मैं चला जाता हूँ वृंदावन और सुबह सुबह बिहारी जी के दर्शन करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो
कैसा लगा। तो मिलते हैं फिर आपसे एक नई गाड़ी में, तब तक के लिए नमस्कार।